नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंस, हमारे खास एपिसोड क्वार्क स्पेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कई सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है कि सर, अगर हम मास्टहेड को क्रिएट करते हैं और जो भी नाम होता है हमारा, जो मास्टहेड पर हम लिखते हैं और जो कि हम सीधे टेक्स्ट बॉक्स पर लिखते हैं, लेकिन अगर हम उस नाम के ऊपर अगर हम पंच लाइन लगाना चाहते हैं तो वो जो नाम है हमारे अखबार का वो वहां से हट जाता है, क्योंकि दूरी हम कम रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो पंचलाइन के टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हम अपने मास्टहेड पर जो न्यूज़पेपर का नाम है उसके ऊपर रखते हैं, वैसे ही हमारा जो है ये टेक्स्ट बॉक्स पर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो हमारा वो वहाँ से हट जाता है। तो वो कैसे होगा तो हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि वो किस तरीके से आप उसको भी लिखा रहेगा और जो आप पंचलाइन भी लिख रहे हैं वो भी सेम जगह पर, चाहे जहाँ पर आप लिख सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन, उस पर आप दबा दीजिए और अपने चैनल को जो है इस सब्सक्राइब कर लें, और इसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे, आपको नई नई जानकारी हासिल होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें ताकि हर छोटी छोटी अपडेट जो है वो भी आपको मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ नया रोज सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपनी पंचलाइन को अपने मास्टर पर लगा सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओपन कर लेते हैं अपना क्वार्क एक्सप्रेस और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक टेक्स्ट बॉक्स पर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आएंगे और वो टेक्स्ट जो पहले से लिखा है वो हटेगा भी नहीं, यानी कि गायब भी नहीं होगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं अपना पेज और आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं लाइव करके कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स पर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स अगर लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो जो पहले लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स है वो भी रहेगा, साथ में दूसरा वाला भी रहेगा। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को एक ड्रॉ कर लिया है, इसमें हम लोग लगाएंगे एक हेडिंग। तो जैसा कि एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा हुआ था कि सर, अगर हम कोई मास्टहेड बना रहे हैं उसके ऊपर कोई भी पंचलाइन लिख रहे हैं तो वो पंचलाइन जो है हमारी वहाँ से हट जाती है, जो पंचलाइन या तो जो पहले का लिखा हुआ हेडर है वो हमारा हट जाता है, पंचलाइन सिर्फ ही पंचलाइन रह जाती है। सो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये एक हेडर बनाया हुआ है, यानी कि जो मास्टहेड जिसे कहेंगे हम, तो इस मास्टहेड को हमने यहाँ पर लिया हुआ है और इसके हम बैकग्राउंड में चले एक कलर देते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके बैकग्राउंड में हमने एक कलर दे दिया है। अब दोस्तों चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा हेडर है इसको यहाँ पर हमने सेट किया और इसके बाद जो है हम एक बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ताकि हम इस बॉक्स में हम डेट और टाइम लिख सकें। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट किया है और अभी हमारा ये जो टेक्स्ट इस पर लिखा हुआ है ये नहीं हटा, तो यहाँ पर हम लोग इसमें डेट लिख देंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट और ईयर और अपना प्लेस जो भी है आपका वहाँ पर आप लिख सकते हैं और इसके बाद जो है हम इसकी एक पंचलाइन देंगे। तो जैसे दोस्तों आप पंचलाइन की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने जैसे रखा तो यहाँ पर से आधा हमारा जो लेटर है, आधा जो वर्ड है हमारा, वो यहाँ से गायब हो गया क्योंकि हमारा ये चीज़ ऊपर आ गया है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। अब दोस्तों यही प्रॉब्लम थी जिसने जो कि पूछा गया था मुझसे कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, हमें यहाँ पर पंचलाइन लगानी है। तो पंचलाइन चाहे आप यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा गायब हो जा रहा है और अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो आपका रुक रहा है। तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर लगानी है जो कि गायब ना हो तो वो कैसे होगी, जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे कोई भी चीज़ आप देंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर से वो वर्ड पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे। तो आपको जो चीज़ बता रहे हैं आप उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ के लिए हम लोग करना क्या है, सिंपल सा हमको वो टेक्स्ट बॉक्स जिसको जिस पर हमें कोई भी चीज़ लिखना है, तो मान चलिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि तो इस बॉक्स को हम यहाँ पर कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम कंट्रोल एम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल एम जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। मॉडिफाई का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बॉक्स दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है और रन अराउंड दिया, तो रन अराउंड पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों याद रखें कि रन अराउंड पर क्लिक ना हो तो आपको यहाँ पर रन अराउंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ दिया हुआ है टाइप का ऑप्शन और इस टाइप वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसको कर देना है सिंपल सा नन। जैसे ही आप नन करेंगे और अप्लाई करेंगे अब आपका वो भी बॉक्स आ जाएगा और साथ में जो आपने लिखा हुआ है पंचलाइन के लिए या किसी और जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर वो भी चीज़ लिख सकते हैं। इसको आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर से दे सकते हैं और जो भी जैसा भी इसको आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप उसकी फॉर्मेटिंग भी उस तरीके से
कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको यहाँ पर डिजाइन करना है, अब ये बॉक्स अगर आप इसके ऊपर भी रख देंगे तो भी ये नहीं गायब होगा। अगर आप देख रहे हैं कि हम इसको इसके ऊपर डिजाइन करना है तो यहाँ से हम इसको नन कर देंगे और अब आप देखेंगे कि ये हमारा का पूरा पूरा सीधे सीधे इसी के ऊपर हम लिख सकते हैं, यानी कि इस टेक्स्ट के ऊपर भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं और हमारा ये गायब नहीं होगा। सो गाइस, इस तरीके से आप इसका यूज करके आप अपने हेडर को काफी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं और जैसा भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस टेक्स्ट को कहीं पर भी जा करके कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं। इसको हम 90 डिग्री टिल्ट कर लेते हैं, चलिए 90 डिग्री पर हम इसको कर लेंगे और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट के ऊपर भी आप डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं फॉन्ट के ऊपर जो कि आपका फॉन्ट है और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो गाइस, आपको ये चीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये चीज लिख दिया है टेक्स्ट और F7 करके आपको दिखा दें, यहाँ पर हमारा ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरीके का भी आप करके डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो आज के सिर्फ इतना ही। तो भैया, आज की जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे द्वारा बताई सभी चीज आपको अच्छे समझ में आई है। और जो चीज जिसको जिसको ना समझ में आई हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम उस पर पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि एक नई वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।